हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो अपनी शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। उन्हीं में से एक थे महाराजा जय सिंह। इन्हीं के राज में भारत में कचरा उठाती थी दुनिया की सबसे महंगी कारें रोल्स रॉयस। यह घटना इतनी प्रसिद्ध है कि जब भी लोग इस गाड़ी का नाम सुनते हैं तो उन्हें महाराजा जय सिंह की यह घटना भी याद आ जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महाराजा जय सिंह ने दुनिया की सबसे महंगी और अच्छी कारों से अपने राज्य में कचरा उठवाया? एक बार महाराजा जय सिंह इंग्लैंड घूमने गए। उस दौरान वे लंदन में ठहरे हुए थे। शाम को अचानक ही वे सादे कपड़ों में लंदन घूमने के लिए निकल गए। घूमते घूमते वे रोल्स रॉयस कंपनी के शोरूम के पास पहुंच गए। उन्हें वह शोरूम काफी मनमोहक और सुंदर लगा और वे वहां पर खड़ी मोटर गाड़ियों का भाव जानने के लिए शोरूम की तरफ चल दिए, लेकिन गेटकीपर द्वारा उन्हें वहीं पर रोक दिया गया। तभी वहां शोरूम का मैनेजर भी आ गया। उसने महाराजा जयसिंह को भारत का एक गरीब और सामान्य नागरिक समझकर वापस जाने को कहा। वहां पर महाराजा जयसिंह को बहुत अपमान हुआ। अपमानित होकर महाराजा जयसिंह वापस होटल आ गए। होटल आकर उन्होंने उसी शोरूम पर फोन लगवाया और कहलवाया कि अलवर के महाराज कुछ मोटर कार खरीदना चाहते हैं। फिर महाराजा जयसिंह ने अपनी महाराजा की पोशाक पहन ली और पूरे दबदबे के साथ शोरूम की ओर चल दिए। शोरूम पर उनका अच्छी तरह से स्वागत किया गया। वहां के मैनेजर ने उन्हें कार दिखानी शुरू की और उनसे पूछा कि आप कौन सी मोटर कार खरीदना चाहते हैं। महाराजा जयसिंह ने कहा कि आपके शोरूम में जितनी भी कारें हैं मैं सभी खरीदूंगा। उस समय शोरूम में 6 कारें मौजूद थी। महाराजा जयसिंह ने सभी कारों की कीमत उन्हें दे दी। इतना ही नहीं, उन 6 कारों को भारत उनके राज्य तक पहुंचाने के लिए भी सारा खर्चा उन्हें वहीं पर हाथों हाथ दे दिया गया। भारत पहुंचकर महाराजा जयसिंह ने उन सभी 6 कारों को अलवर की नगर पालिका को दे दिया और उन्हें यह भी आदेश दिया कि इन सभी 6 कारों का उपयोग कचरा उठाने के लिए किया जाए। दुनिया की सबसे महंगी कारों में गिनी जाने वाली रोल्स रॉयस भारत में कचरा उठाने के लिए उपयोग में ली जाने लगी। यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। इस घटना के कारण रोल्स रॉयस कंपनी की इज्जत तार तार हो गई। लोगों ने इस गाड़ी को खरीदना बंद कर दिया। अगर कोई अमीर व्यक्ति अपना रोब दिखाने के लिए कहता था कि उसके पास रोल्स रॉयस है तो सभी लोग उसकी मजाक बनाते हुए कहते थे कि ये गाड़ी तो भारत में कचरा उठाने के काम आती है। इस घटना से रोल्स रॉयस कंपनी की इतनी बदनामी हुई कि उनकी कारें बिकनी बंद हो गई। इससे कंपनी को बहुत नुकसान होने लगा। कंपनी के मालिक ने महाराजा जयसिंह को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उन्होंने महाराजा जयसिंह से माफी मांगी और उनसे अनुरोध किया कि वे रोल्स रॉयस से कचरा उठवाना बंद कर दें। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराजा जयसिंह को 6 और मोटर कार फ्री में देने को कहा। जब महाराजा जयसिंह को पक्का विश्वास हो गया कि अंग्रेजों को उनकी गलती का सबक मिल चुका है तो उन्होंने कारों से कचरा उठवाना बंद करवा दिया। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले लोग भी महान थे और महान हैं और हमेशा महान रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।